किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं रामलाल धाकड़। आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इस समय कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की बुआई हो चुकी है और सोयाबीन उगकर बाहर निकल चुका है, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोयाबीन की बुआई के 0 से 15 दिनों के बीच में हमें क्या क्या काम करना चाहिए। इन 15 दिनों के बीच में सोयाबीन में जड़ गलन की समस्या मतलब डंपिंग ऑफ काफ़ी ज़्यादा आती हैं, और कुछ किसान भाइयों का खाद डालने के रिलेटेड और स्प्रे करने के रिलेटेड भी सवाल है। तो इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि सोयाबीन की बुआई के 0 से 15 दिनों के बीच में हमें कौन कौन सी समस्या आती हैं और हमें कौन कौन से ज़रूरी काम करना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो घंटे का निशान आया है उसे ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों, वीडियो में हम आगे बात करें उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि बुआई करने के बाद मुख्य रूप से कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो कुछ किसान भाइयों की यह समस्या आ जाती है कि बुआई करने के तुरंत बाद ज़ोरदार बारिश हो जाती है, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत बहुत कठोर बन जाती है, जिससे सोयाबीन बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इस समस्या का समाधान यह है कि सोयाबीन जब तक उगकर बाहर नहीं निकलता है उस खेत में नमी बनाए रखे, जिससे मिट्टी की जो परत है वह गल जाएगी और सोयाबीन उगकर बाहर निकल जाएगा। इसलिए अगर फिर से बारिश नहीं होती है तो आप स्प्रिंकलर से सिंचाई कर दें। इसके अलावा सोयाबीन उगने के बाद कुछ किसानों के जड़ गलन की समस्या भी आती है। इस समस्या में पौधे का तना जमीन के पास से सड़ जाता है और पौधे के पत्ते लटक कर सूख जाते हैं। इस समस्या को डंपिंग ऑफ भी कहा जाता है। तो अगर आप बिना फंगीसाइड के बीज उपचार किए सोयाबीन की बुआई कर देते हैं तब यह समस्या मुख्य रूप से आती है, और फंगीसाइड से बीज उपचार करने के बाद भी सोयाबीन उगने के बाद अगर ज़ोरदार बारिश हो जाती है और खेत में पानी भर जाता है तो भी यह समस्या आ सकती है। अब बात करते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे करें। तो अगर आपके खेत में यह समस्या आ जाती है तो आप तुरंत बायर कंपनी की एलियट फंगीसाइड का स्प्रे करें। एलियट में टेक्निकल फोजोटिल एल्यूमिनियम 80% वेटेबल पाउडर यानी कि WP फॉर्म में होता है। यह एक प्रकार की सिस्टमेटिक फंगीसाइड है जो डंपिंग ऑफ के लिए सबसे बेस्ट है। इसका डोज प्रति एकड़ 400 ग्राम रखना है और 15 लीटर पानी में 40 ग्राम इसका स्प्रे करने के बाद 2 घंटे तक बारिश नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने बुआई कर दी है और आपने बुआई के पहले या बुआई के समय किसी भी खाद का प्रयोग नहीं किया है तो सोयाबीन की बेहतर ग्रोथ के लिए खादों का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आप सोयाबीन की बुआई के लगभग 10 दिनों के आसपास 1 हेक्टेयर में 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट दानेदार, 33 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास यानी कि MOP और 44 किलोग्राम यूरिया डालें। इसके अलावा अगर हम बात करें स्प्रे की तो बुआई के 0 से 15 दिनों के बीच में हमें कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपने कीटनाशक से बीज उपचार नहीं किया है और बुआई कर दी है तो बुआई के 15 दिनों के आसपास आपको मक्खियों और रस चूसक कीटों को कंट्रोल करने के लिए एक स्प्रे करने की आवश्यकता होती है, जिससे सोयाबीन में स्टेम फ्लाई और पीला मोज़ेक वायरस का अटैक बहुत कम होता है। इस स्प्रे में आपको इमिडाक्लोरपीड, एसिटामेप्रिड या थायमेथोक्सिम इन तीनों में से किसी एक दवाई का प्रयोग करना है। ध्यान रखें अगर आपने कीटनाशक से बीज उपचार करने के बाद सोयाबीन की बुआई की है तो आपको यह स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं अगर खरपतवार उग आए तो उसका प्रबंधन किस प्रकार से करें। तो बुआई के 15 दिनों तक खरपतवार तो उग आता है, लेकिन इस समय खरपतवार नाशक का स्प्रे ना करें क्योंकि इस समय अंतराल में सोयाबीन बहुत छोटा होता है, जिससे फसल को बहुत तेज झटका लगेगा। इसलिए खरपतवार नाशक दवाओं का प्रयोग तो 20 से 22 दिनों के आसपास करें, तब तक सोयाबीन का झटका सहन करने के लिए पौधा बड़ा हो जाएगा। उससे पहले आप शुरुआती खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए 15 दिनों के आसपास डोरा या कुल्फा चलाकर सोयाबीन में खरपतवार को कंट्रोल करना शुरू कर दे। तो किसान भाइयों, यह हमने बात की कि हमें सोयाबीन की बुआई के 0 से 15 दिनों के बीच में क्या क्या काम करना चाहिए।
अगर आपके खेत में इस समय अंतराल में कोई समस्या आ रही है और उसके बारे में इस वीडियो में हमने बात नहीं की है, तो आप कमेंट करके अपनी समस्या बता सकते हैं। उसका समाधान आपको कमेंट में रिप्लाई के माध्यम से मिल जाएगा। उसके अलावा हम अगले वीडियो में सोयाबीन की ग्रोथ बढ़ाने वाले टॉनिक, सोयाबीन में पहला खाद व पहले स्प्रे व खरपतवार नाशक दवाओं के प्रयोग के बारे में बात करेंगे। तो आप अगले वीडियो तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।